जोन्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने आपके इंडिया का मैप होगा, उसमें अलग अलग स्टेट्स में मैंने कुछ रेड डॉट्स लगाए हैं और बाकी का ग्रीन एरिया है. सो वॉट एवर इज द रेड डॉट, दैट इज द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एंड वॉट एवर इज द ग्रीन एरिया, दैट इज द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया. स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का पर्पस क्यों आया, कैसे आया, तो जैसा कि आप जानते होंगे, अगर आप खुद को एज एन इन्वेस्टर माने, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखिए कि आप किस एरिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, जहां आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिले, जहां आपकी ज़्यादा कमाई हो, या कोई भी नॉर्मल सा एरिया हो, आप वहां इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे. एज एन इन्वेस्टर व्हाट वुड बी योर प्रेफरेंस? एनीबडी कैन आंसर, जस्ट आपको थोड़ा पार्टिसिपेटिव होना पड़ेगा. इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी हो, इस चीज को लेकर जब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वे बैक इन 2003 एंड 2004 जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट की बातें चल रही थी, तो वहां पर देखा गया कि कुछ कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज ऐसे हैं जहां पर लोग ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बिल्कुल ही लेफ्ट आउट हो गए हैं, मतलब जिन पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा. गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अगर हमें पूरी की पूरी इंडिया में इक्वल डेवलपमेंट अगर हमें चाहिए, अलग अलग जगहों पर अगर हमें इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है, तो हमें उनको कुछ बेनिफिट्स देना बहुत ज़रूरी है. आप सब जानते हैं कि जहां पर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आप वहां पर अट्रैक्ट होंगे. ये एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि जहां पर आपको बेनिफिट दिखाई देता है, हम सारे के सारे वहीं अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो इंडिया एक इनिशिएटिव लेकर आया, उन्होंने कहा कि हम कुछ एरियाज ऐसे बना देते हैं या कुछ एरियाज को हम डेजिग्नेट कर देते हैं कि जिस एरिया में आप इन्वेस्टमेंट लेकर आओगे, उन एरियाज में आपको बेनिफिट दिए जाएंगे. किस तरीके के बेनिफिट? आपको टैक्सेशन में एग्जेम्पशंस मिल सकती हैं, और इंडिया में टैक्स स्ट्रक्चर चूंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें एग्जेम्पशन मिलना एक बड़ी बात है. इन इंडिया वी हैव हैवी टैक्स रेट्स ऑन सर्टेन एरियाज, और अगर आप SEZ में कुछ एरियाज को खोलते हो, तो वहां पर आपको टैक्सेशन के बेनिफिट्स मिल जाते हैं. तो ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अलग अलग जगहों से लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक चीज लेकर आई, जिसे कहने लगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. और इन इकोनॉमिक जोन्स में आपको बहुत सारी डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. उन्होंने इंडिया में काफ़ी जगह ऐसे जोन्स को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया. एज ऑफ 2017 देर आर 204 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन इंडिया. इंडिया के अंदर अभी 204 एज ऑन 31 मार्च 2017 204 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं. अगर आपको पता हो तो इंदौर में भी दो एरियाज ऐसे हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहलाते हैं. सो दे आर बेसिकली IT पार्क्स, जहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम होता है. तो जब आप SEZ से कोई भी काम करते हो, अगर आप कुछ एक्सपोर्ट करते हो या इम्पोर्ट करते हो, तो उन दोनों ही चीज़ों पर आपके ऊपर टैक्सेस नहीं लगते. बहुत सारी कंपनीज इसको एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मानते हैं, क्योंकि टैक्स सेविंग करना एक बहुत बड़ी बात होती है, एंड अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, देन वाई नॉट अवेल इट. तो जैसा आप मैप में देख पा रहे हैं, एक डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है ग्रीन कलर का, एंड रेड कलर का जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है. उसके ऊपर ही मैंने जो किया हुआ है मार्किंग, अगर आप उनको देखें, अगर आप डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से SEZ में कुछ सेल करते हैं, तो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक्सपोर्ट माना जाएगा, क्योंकि SEZ को एक ऐसा एरिया माना जाता है, इट इज़ कंसिडर्ड लाइक अ फॉरेन टेरिटरी, एक फॉरेन कंट्री की तरह उसे माना जाता है. अगर आपने कभी देखा हो, किसी ने अगर देखा हो, गुड़गांव में DLF करके एरिया है, और वहाँ पे बहुत सारी IT कंपनीज भी है. अगर आप उसके अंदर जाके देखो, तो यू विल फाइंड अ वेरी क्लीन एरिया, और बहुत सारे बाहर की आपको वहाँ पे चीज़ें भी मिलेंगी, ब्रांड्स भी मिलेंगे, काफ़ी चीज़ें मिलेंगी. तो वो एक तरीके का SEZ जो है उन्होंने बनाया हुआ है. वैसे ही बहुत सारे एरियाज को उन्होंने दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, इवन MP में भी इंदौर के अंदर SEZ को उन्होंने प्रमोट किया हुआ है. तो बेसिकली जब आप SEZ की बात करते हो, तो SEZ को एज अ फॉरेन टेरिटरी माना जाता है. इसलिए अगर आप डोमेस्टिक टैरिफ एरिया यानी ग्रीन एरिया से कुछ भी रेड एरिया में सेल आउट करोगे, तो उसको एक्सपोर्ट माना जाएगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया. और अगर SEZ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, अगर आप DTA से कुछ भी खरीद के लेके आ रहे हो, तो उसे इम्पोर्ट माना जाएगा.
वैसे ही वाइस वर्सा होगा, अगर आप SEZ से DTA में कुछ बेचते हो तो उसे एक्सपोर्ट माना जाएगा और वो DTA के लिए इम्पोर्ट कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ बेसिक जो SEZ का है वो समझ आया? यस सर। सो दीज आर बेसिकली स्पेशली डीमार्केटेड एरियाज। अब इन एरियाज को डेवलप कैसे किया जाता है, इनके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, कौन से बेनिफिट्स आपको इन एरियाज के अंदर मिल सकते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ये सब अपन को इस एक्ट के अंदर पढ़ना है। तो फाइनली इन 2005 दे केम अप विद दिस एक्ट, दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005, और इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन 2006 में हुआ, जब से SEZ का पूरा फंक्शन स्टार्ट हुआ है। सो लेट्स बिगिन विद द एक्ट, अपन एक्ट से स्टार्ट करते हैं। आई विल फॉरवर्ड दीज नोट्स ऑन व्हाट्सएप इन द ग्रुप। तो अपन एक्ट से आज स्टार्ट करते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005। तो SEZ आर बेसिकली ग्रोथ इंजन्स दैट कैन बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग, इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। तो इन एरियाज में अगर आप टैक्स बेनिफिट्स लेकर आ रहे हो तो आपको पता ही है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज काफ़ी बढ़ जाएंगी और काफ़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जब इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर फ्लो होगा, काफ़ी इंडस्ट्रीज बनने लगेंगी, काफ़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट होने लगेंगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का क्रिएट होना और इन्वेस्टमेंट्स का बढ़ना, इंडस्ट्रीज का बनना, एक तरीके से आपकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएगा। अब वो मैन्युफैक्चरिंग आप चाहे सर्विसेज में करो, आप डेवलपमेंट करो सॉफ्टवेयर का, या फिर आप गुड्स का फिजिकल मैन्युफैक्चर करो, दोनों ही चीज़ें आपकी बढ़ने वाली है। आपका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो, मतलब मैन्युफैक्चर करते जा रहे हो, आप बढ़ा रहे हो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को, तो एक तरीके से एक्सपोर्ट भी आपका बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, क्योंकि अगर नई कंपनीज आने लगेंगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगे। सो SEZ इज अ स्पेसिफिकली डिलिनेटेड ड्यूटी फ्री एनक्लेव, specifically delineated duty free enclave. specifically delineated क्यों? क्योंकि government ने हर state में कुछ areas को उन्होंने SEZ की तरह बनाया हुआ है और उनको delineate किया हुआ है, मतलब specifically identify किया हुआ है। These are duty free enclave, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी taxes नहीं लगते, कोई भी duties नहीं लगती, and shall be deemed to be a foreign territory. Shall be deemed to be a foreign territory. It is not an actual foreign territory, but उसको माना जाएगा कि ये foreign territory की तरह है, for the purpose of trade operations and duties. Goods and services going into the SEZ area from the DTA, that is domestic tariff area, are treated as exports. तो मैंने आपको बताया ही ऊपर मैप में, जो ग्रीन एरिया से आप जब रेड एरिया में जाओगे, आप कुछ भी बेचोगे रेड एरिया के अंदर, तो उसको माना जाएगा कि वो एक्सपोर्ट की तरह। क्लियर हुआ? कम ऑन बोलो। yes, सारे के सारे सुबह सुबह उठे हो कि सो जाओगे क्लास में? अभी तक मैंने किसी का कैम ऑन नहीं किया है, अदरवाइज आई वांट टू सी कि तुम सब की हालत क्या है इतने टाइम में। सर ऐसे ही ठीक है ना? क्यों? मुझे पता तो चले तुम एक्चुअली डेस्क पे बैठ के देख रहे हो या बेड पे लेटे लेटे आराम से क्लास चल रही है। क्या पता यहाँ लेक्चर चल रहा है, तुम सारे के सारे सो गए। नहीं सर, बस क्लास चल रही है। ओके, सो अब अपन को फीचर्स पढ़ने हैं SEZ एक्ट के, कि बेसिकली ये एक्ट क्यों लेकर आए, इसके फीचर्स क्या क्या है। तो सबसे पहला, मैटर्स रिलेटिंग टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ SEZ। इस एक्ट को लाने का मेन पर्पस यही हुआ कि हम SEZ को अगर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं या क्या करना पड़ेगा, वो अपन को इस एक्ट के अंदर करना है। एंड फॉर सेटिंग अप ऑफ यूनिट्स देयरिन, इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट्स, ऑब्लिगेशंस एंड एंटाइटलमेंट्स। आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी सेटअप करने की, अगर आप सेटअप करोगे तो कुछ ऑब्लिगेशंस भी होंगी जो चीज़ें आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, और आपको कुछ एंटाइटलमेंट्स भी मिल सकते हैं। Matters relating to requirements for setting up of offshore banking units. अब इसे offshore banking unit की जब हम बात कर रहे हैं, तो offshore banking unit का मतलब होता है कि अगर SEZ area में कोई bank located है, किसी भी bank की कोई branch वहाँ पर खुली हुई है, तो उस branch को offshore banking unit कहा जाता है। जो word है offshore, offshore का मतलब it is out of your boundaries or it is off your shores.
तो ऑफशोर जब आप कह रहे हो, आपको पता ही, अपन ने ऊपर पढ़ा कि SEZ को एक फॉरेन टेरिटरी की तरह माना जाता है। इसीलिए जब कोई बैंकिंग यूनिट या कोई बैंकिंग कंपनी का कोई ब्रांच, फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक का कोई ब्रांच अगर इंदौर के SEZ में खुला हुआ है, तो उस ब्रांच को ऑफशोर बैंकिंग यूनिट की तरह माना जाता है। द फिस्कल रेजिम फॉर डेवलपर्स ऑफ SEZ एंड यूनिट सेटअप देयरइन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिस्कल रेजिम? जो वर्ड है फिस्कल रेजिम, इससे आप क्या समझते हैं? जब मैंने आपको RBI कराया था तो मैंने कहा था कि दो टाइप की पॉलिसीज होती हैं, एक फिस्कल पॉलिसी होती है और एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है। तो जो फिस्कल पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी तो मनी सर्कुलेशन और उन सब चीज़ों के बारे में बात करती है, जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो क्या होती है? जो वर्ड है फिस्कल, व्हेन यू से फिस्कल, वो गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर से डील करते हैं। मेरी मेनली दे डील विद द गवर्नमेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और अपनी कंट्री में गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम है टैक्सेस। तो अगर आप SEZ के बारे में कहते हो कि SEZ में आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, तो यहाँ का फिस्कल रेजिम क्या होगा? मतलब कौन कौन सी चीज़ों पे टैक्सेस का बेनिफिट है, कौन सी चीज़ों पे नहीं है, क्या बेनिफिट है क्या नहीं है, ये सब भी अपन को इस एक्ट के अंदर पढ़ना है। Therefore, the fiscal regime for developers of SEZ and unit setup therein, मतलब tax benefits क्या होंगे, tax की policies क्या होंगी, वो सब अपन को इस act के अंदर करना है। फिर they are providing a single window clearance mechanism at the zone level। जो अलग अलग zones होंगे इनके, उनमें single window clearance mechanism होगा, मतलब एक ही जगह से आप सारी चीज़ें कर सकते हो, आपको किसी भी requirement के लिए अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। Establishment of an authority for each SEZ set up by the central government to impart greater administrative autonomy. Greater administrative autonomy मतलब हर जगह पर government, central government क्या करेगी, अब अलग अलग authorities खोल देंगी हर जगह के लिए, और उस authority का नाम काम होगा कि वो administration करेगा act का, कि SEZ act को आप कहाँ तक लेकर आए हो, क्या आपने किया है, किस area में कितना काम किया है, वो सब administration का काम उस अथॉरिटी का होगा। फिर डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स एंड सिंगल एनफोर्समेंट एजेंसी टू इंश्योर स्पीडी ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोटिफाइड ऑफेंसेस कमिटेड इन द SEZ। स्पेशल कोर्ट्स और सिंगल एनफोर्समेंट एजेंसी भी इसके अंदर बनाई जाएगी, जिसकी मदद से स्पीडी ट्रायल्स होंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से, तेज़ी से सारे के सारे मैटर्स को निपटाया जाए और प्रॉपर तरीके से निपटाया जाए। तो वो भी एक जो है इसके, इस एक्ट के अंदर एक कोर्ट सेटअप होगा जो SEZ के मैटर्स को देखेगा। ठीक है, तो ये इनके बेसिक फीचर्स हैं जो इस एक्ट के अंदर अपन को करने हैं। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है, इतना सिंपल सा, 4 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए, कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ SEZ एक्ट। तो बहुत ही सिंपल सा सड़ा हुआ सा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये सारे की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। चले आगे। बोलो सर, जो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है वो RBI एक्ट से भी गवर्न होगा ना? हाँ, देखो क्योंकि वो एक ब्रांच है, तो ब्रांच की जब आप बात करते हो तो अपन ने पढ़ा है RBI में कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी है। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, यस सर। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये कहता है कि आप कोई भी बैंकिंग यूनिट खोलो, चाहे वो इंडिया में खोलो, अब SEZ भी एक इंडिया के अंदर ही आता है, बट इट इज अ स्पेसिफिकली डिमार्केटेड एरिया। तो भले ही आपने SEZ में खोला है, लेकिन फिर भी जो वो बैंक है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आएगा ही आएगा, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर क्लॉजेज है जो इसके ऊपर एप्लीकेबल है, तो बेसिकली वो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है BR Act on these offshore banking units, and since BR Act is applicable on these banking units, तो वो स्पेसिफिकली RBI के अंदर भी आ जाती है। ठीक है, और कुछ डाउट? बोलो, और किसी को कोई डाउट है तो फिर मैं डेफिनेशन स्टार्ट करूँ। एंड अपने पास 40 मिनट्स है, तो मतलब 40 मिनट्स की सेशन है ये, तो आई वांट टू टेक लास्ट 10 मिनट्स टू टॉक टू यू। आगे का कुछ मतलब आई वांट टू नो एक्चुअली में कि सबका कितना प्रोग्रेस हुआ है, बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस की भी मुझे प्लानिंग करनी है,
तो इसमें अभी मुझे बताओ कि इसमें कोई डाउट है जो अभी तक अपन ने किया, नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ू। नो सर। तो फिर आगे बढ़े, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो अपन को इसके अंदर डेफिनेशंस करनी है, जो इम्पॉर्टेंट वाली है वो सब इन नोट्स में कवर्ड है। सबसे पहला है डेवलपर। अब जब आप SEZ की बात करते हो ना, SEZ के अंदर दो मेन चीजें होती हैं। एक होता है उसका डेवलपर, मतलब SEZ बनाने वाला, कौन SEZ को डेवलप करेगा, कौन बनाएगा, वो कहलाता है डेवलपर। और उसके अंदर जो कंपनीज खुलेंगी, जो ऑफिसेस खुलेंगे, वो कहलाते हैं यूनिट्स। तो एक होता है SEZ डेवलपर, जो पूरे SEZ को डेवलप करता है, उसका खुद का ऑफिस भी SEZ के अंदर हो सकता है, और वो बाकी ऑफिसेस जो होते हैं वो कहलाते हैं यूनिट्स, यानी वो SEZ में खुलने वाले ऑफिसेस होते हैं। तो डेवलपर मींस अ पर्सन और अ स्टेट गवर्नमेंट व्हिच हैज बीन ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अ लेटर ऑफ अप्रूवल एंड इंक्लूड्स एन अथॉरिटी एंड अ को डेवलपर। तो डेवलपर में कोई पर्सन हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है किसी स्टेट की। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे यहाँ SEZ डेवलप किया जाए, तो वो भी कह सकती है कि हमें SEZ डेवलप करवाना है, तो उसको भी डेवलपर कहा जा सकता है। और इन दोनों को ही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर ऑफ अप्रूवल मिलता है कि आप अपने डेवलपमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली आगे जा सकते हो। इसके अंदर कोई अथॉरिटी भी आ सकती है और इसके अंदर को डेवलपर भी आता है। नाउ व्हाट इज अ को डेवलपर? आप अगर एक डेवलपर हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारी की सारी चीज़ें हों। डेवलपमेंट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके पास हो सकता है कुछ चीज़ें आपके पास नहीं हो। जो चीज़ें आपके पास नहीं है उनके लिए आप हेल्प ले सकते हो, बाकी डेवलपर्स से मदद ले सकते हो। जो जिनके पास सर्विसेज अवेलेबल है वो सर्विसेज आप ले सकते हो। तो जिनसे भी आप सर्विसेज लेते हो या हेल्प लेते हो इन डेवलपमेंट, उनको कहा जाता है को डेवलपर। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर मैं चाहता हूँ कि भोपाल में कोई SEZ एरिया डेवलप हो, मैंने अप्लाई किया डेवलपमेंट के लिए, मैंने गवर्नमेंट से परमिशन लेनी चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि SEZ यहाँ पर डेवलप हो, MP नगर में एक छोटा सा एरिया आप मेरे को दे दो जिसके अंदर मैं SEZ डेवलप करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ने बोल दिया ठीक है, आप चाहो तो डेवलप कर सकते हो। अब जब मैंने डेवलपमेंट प्लान शुरू किया तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सबसे पहले आएगा कि हम अगर डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है। मान लीजिए मेरा मेन फोकस एरिया जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, मेरी स्पेशलिटी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मुझे किसी की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है, किसी और कंपनी से काम करवाना बहुत ज़रूरी है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर्पस। तो जब वो कंपनी मेरा काम करने के लिए आएंगी, मेरे एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए आएंगी, तो उनको कहा जाएगा को डेवलपर। और उनको यहाँ पर आने के लिए, काम करने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम SEZ एरिया में काम करना चाहते हैं, गिव अस द परमिशन सो दैट वी कैन मूव अहेड विद द प्लान्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ SEZ। तो ऐसी कंपनीज जो इस एरिया को आके डेवलप करने में मदद करती हैं, उनको को डेवलपर्स कहा जाता है। तो अ को डेवलपर मीन्स अ पर्सन और अ स्टेट गवर्नमेंट व्हिच हैज बीन ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अ लेटर ऑफ अप्रूवल। इट इज सेम डेफिनेशन एज द डेवलपर, बस इनका एक हेल्पिंग रोल होता है, इसलिए इसको को डेवलपर कहा जाता है। डेवलपर और को डेवलपर क्लियर हुआ? Yes, sir. Okay. अब हम आए डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब जो अपन को डेफिनेशन करनी है वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की है, बट याद रखिएगा ये जो अपन डेफिनेशन कर रहे हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की, ये इस एक्ट के अंदर कर रहे हैं। हर एक्ट की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है। देखो, लॉ पढ़ने का एक बेसिक रूल है कि आप कोई भी चीज़ को रिलेट नहीं कर सकते, बिकॉज हर एक्ट के अंदर हर वर्ड्स की मीनिंग जो है वो अलग अलग होते हैं। आपके कोर्स में एक चैप्टर होगा इंटरप्रिटेशन करके, जिसमें आप लॉ को इंटरप्रेट करना सीखते हैं। तो जब आप लॉ पढ़ने जाते हैं तो हर एक्ट के अंदर काफ़ी सिमिलर डेफिनेशंस आपको मिलेंगी, लेकिन उनका जो मीनिंग है, उनका एप्लीकेशन है, वो डिफरेंट होता है हर एक्ट के अंदर। तो जो आपने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की डेफिनेशंस जनरली पढ़ी हैं या अलग से पढ़ी हैं, उनको यहाँ से रिलेट मत करिएगा। अपन को यहाँ पर जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पढ़ना है वो स्पेसिफिकली SEZ से रिलेटेड है। नॉर्मल टर्म्स में आप एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से क्या समझते हो? अगर मैं जनरली बात करूँ, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोर्ट? सर,
If we supply something from India to any other country or Exactly. outside the territory of India. Exactly. If you supply something outside the territory of India, that means taking out of India. अगर मैंने इंडिया से बाहर कुछ बेचा, कुछ सेल आउट किया, तो वो कहा जाएगा एक्सपोर्ट. एंड स्पेसिफिकली अगर मैं इंडिया में कुछ लेकर आ रहा हूँ बाहर से, तो वो कहलाएगा इम्पोर्ट. अब जब हम इसको SEZ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, तो एक्सपोर्ट का क्या मीनिंग होगा, तो पढ़े सबसे पहला, टेकिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज आउट ऑफ इंडिया फ्रॉम अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बाय लैंड, सी, एयर और बाय एनी अदर मोड, विद फिजिकल और अदरवाइज. सो बेसिकली जब आप इंडिया से बाहर कोई चीज ले जाओगे, यू मीन दैट मीन्स यू आर टेकिंग इट आउट ऑफ इंडिया और प्रोवाइडिंग सर्विसेज आउट ऑफ इंडिया फ्रॉम द SEZ, इट इज टर्म्ड एज एन एक्सपोर्ट. दूसरा पॉइंट, सप्लाइंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज फ्रॉम डोमेस्टिक टैरिफ एरिया टू अ यूनिट और अ डेवलपर. अगर आप डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से कुछ SEZ में सप्लाई कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सपोर्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डोमेस्टिक टैरिफ एरिया. अपन ने मैप में पढ़ा था, अगर आप ग्रीन पार्ट से रेड पार्ट में कुछ बेच रहे हो, तो उसको एक्सपोर्ट माना जाएगा. तो वो चीज़ भी यहाँ इस डेफिनेशन के अंदर कवर हो गई. Supplying the goods or providing services from one unit or another unit or developer in the same or different SEZ. मतलब अगर एक यूनिट दूसरे यूनिट को भी कुछ बेच रही है इन द SEZ एरिया के अंदर, मान लीजिए तीन चार कंपनीज है, अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को कुछ बेचा, तो उसको भी एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में कवर किया गया है, मतलब उसको भी एक्सपोर्ट माना गया है. और अगर कोई एक SEZ MP में है, दूसरा SEZ महाराष्ट्र में है, अगर MP की SEZ वाली कंपनी ने महाराष्ट्र की SEZ वाली कंपनी को कुछ बेचा, तो उसको भी एक्सपोर्ट माना जाएगा. तो मतलब यहाँ पर एक्सपोर्ट का दायरा बहुत बड़ा है, एक्सपोर्ट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत बड़ा है. पहले तो बेसिक डेफिनेशन कि अगर आप इंडिया के बाहर कुछ बेचते हो तो वो एक्सपोर्ट कहलाता है, नंबर वन, वो आपको पता ही है. दूसरी बात, अगर आप ग्रीन एरिया से रेड एरिया में कुछ बेचते हो, मतलब फ्रॉम DTA टू SEZ, तो उसको भी एक्सपोर्ट माना जाता है फ्रॉम DTA पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कुछ बेचते हो विच आर विद इन द सेम SEZ, तो उसको एक्सपोर्ट माना जाएगा. अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कुछ बेचते हो जो अलग अलग SEZ में लोकेटेड है, तो उसको भी SEZ माना जाएगा. क्लियर हुआ एक्सपोर्ट का मीनिंग? कोई क्वेश्चन है इस डेफिनेशन के अंदर? कोई क्वेश्चन है इस डेफिनेशन के अंदर? अगर है तो पूछ लो. सर, थर्ड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में पूछो कि अगर एक यूनिट दूसरी यूनिट को दे रहा है, तो वो एक्सपोर्ट कहाँ से होगा? बिकॉज़ दे बोथ आर बिलोंगिंग टू द डीम फॉरेन टेरिटरी. Yes, they both belong to the deemed foreign territory. लेकिन export की definition specifically कहती है कि अगर आप एक unit से दूसरे unit में कुछ देते हो, तो उसको export माना जाएगा. It will be considered as an export. Okay? आपके common point of view से, common consensus से आप उसको export नहीं मान सकते, because हाँ, एक unit से दूसरे unit में ही जा रहा है, तो ये export कैसे हुआ? लेकिन अगर आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में भी बेचते हो, आपको पता है कि डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में जब आप कुछ भी सेल आउट करते हो, तो उसके ऊपर GST लगता है, टैक्सेस लगते हैं. यस सर. लेकिन जब SEZ से कुछ भी करते हो, तो उसके ऊपर टैक्सेस नहीं लगते. और SEZ का बेनिफिट ये होता है कि टैक्सेस नहीं लगाना, क्योंकि एक्सपोर्ट्स करते हैं, एक्सपोर्ट्स के ऊपर आपको छूट मिलती है. आपको पता है FTP के अंदर अपन ने बेनिफिट्स पढ़े हैं एक्सपोर्ट्स में, कि आपको कौन कौन से टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं. वही टैक्स बेनिफिट्स SEZ के अंदर भी मिलते हैं. इसलिए एक यूनिट से दूसरे यूनिट में अगर आप इसको लोकल सेल मान लोगे, तो आपको फिर उसमें या तो GST का इफेक्ट देना पड़ेगा या कुछ देना पड़ेगा. इसलिए उन्होंने इसको एक्सपोर्ट के अंदर कवर कर लिया, कि आप इसको भी एक्सपोर्ट मान लो, ताकि कोई टैक्सेस आपके ऊपर ना लगे. ओके, क्लियर हुआ? यस सर. और कोई डाउट? नहीं. अब अपन आते हैं इंपोर्ट की डेफिनेशन के ऊपर. हम पूरा का पूरा इंपोर्ट का स्ट्रक्चर भी ऊपर से सिमिलर है. जैसे एक्सपोर्ट में आप कुछ बाहर ले जाते हो, वैसे इंपोर्ट में आप कुछ अंदर लेकर आओगे. सो ब्रिंगिंग गुड्स और सर्विसेज इन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बाय अ यूनिट और डेवलपर फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया
by land, sea or air or by any other mode, whether physical or otherwise, or receiving goods or services by a unit or developer from another unit or developer of the same SEZ or a different SEZ. जैसे आपने वहाँ ऊपर पढ़ा था कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट की तरफ कुछ बेचते हो तो एक्सपोर्ट होगा, जो बेच रहा है उसकी तरफ से एक्सपोर्ट होगा और जो खरीद रहा है उसकी तरफ से इम्पोर्ट होगा. वैसे ही इम्पोर्ट की डेफिनेशन उल्टी तरीके से काम करेगी. जैसे जो आपने एक्सपोर्ट में पढ़ा वही सिमिलर इम्पोर्ट में होगा, बस पॉइंट ऑफ व्यू आपका चेंज हो जाएगा. तो इम्पोर्ट में आप इंडिया में कुछ लेकर आ रहे हो, एसईजेड में कुछ लेकर आ रहे हो इंडिया के बाहर से, पहला पॉइंट. और दूसरा पॉइंट, या तो आप किसी दूसरे यूनिट से कुछ लेकर आ रहे हो अपने यूनिट के अंदर, तो उसे इम्पोर्ट माना जाएगा. इस डेफिनेशन के अंदर कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आना चाहिए मेरे हिसाब से, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए. सोचो. बोलो बोलो, किसके माइंड में आ रहा है कोई क्वेश्चन? जल्दी बोलो नहीं तो मैं तुम्हारे कैमरा ऑन कर दूंगा सबके. मान्या, एनी क्वेश्चन दैट इज कमिंग इन योर माइंड? बोलो, कोई क्वेश्चन आ रहा है माइंड में? प्रखर, शुभांगी, इशिका, कोई भी बताओ अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है माइंड में तो. एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे माइंड में नहीं आ रहा है तो मैं पूछ लेता हूँ, फिर आंसर तुम कर देना, या तो तुम पूछ लो और आंसर मैं कर दूँ, वो ऑप्शन है तुम्हारे पास. बोलो. प्राची, कोई क्वेश्चन आ रहा है? नहीं तो मैं पूछूं फिर तुम आंसर करो. चलो, सिंस तुम पूछ नहीं रहे हो तो मैं ही पूछ लेता हूँ. अपन ने ऊपर एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जब आप डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से कुछ अंदर लेकर आते हो तो वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोर्ट कहलाता है. ये एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट जो अपन ने पढ़ा था. ऐसा ही पॉइंट इम्पोर्ट की डेफिनेशन में क्यों नहीं लिखा कि जब मैं डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से कुछ एसईजेड में लेकर आता हूँ तो वो एसईजेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्ट कहलाएगा. बताओ ऐसा क्यों नहीं लिखा इसके अंदर? बोलो. प्राची, ईशा, साक्षी, प्लीज स्पीक अप, ऐसा क्यों नहीं लिखा है? मान्या, क्वेश्चन आंसर करिए प्लीज. क्योंकि सर एसीजेड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, मे बी क्योंकि हम एसीजेड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं. लेकिन एसीजेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से कुछ अंदर आना भी तो इम्पोर्ट ही कहलाता है. क्योंकि अपन ने ऊपर पढ़ा कि अगर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया कुछ बेच रहा है एसीजेड को तो वो एक्सपोर्ट कहलाएगा. एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में कवर्ड था. यस सर. और हम यहाँ पर इम्पोर्ट में कैसा लिखिए रहे?
सर मे बी वो कुछ इम्पोर्ट करते ही नहीं होंगे. नहीं ऐसा थोड़ी ना है, बिल्कुल करते होंगे. बेचारे इम्पोर्ट नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे, काम कैसे चलेगा? या वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से कुछ इम्पोर्ट नहीं करते होंगे, ऐसा कहना चाहते हैं? यस सर, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से वो इम्पोर्ट नहीं करते होंगे, आपस में ही कर लेते होंगे. क्यों भाई, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया का गया भी था क्या, क्वालिटी नहीं है क्या? नहीं देखो, बेसिकली पॉइंट क्या है यहाँ पर, जो मान्या ने कहा कि हम एसईजेड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, मे बी इसलिए वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि जब आपने एक्सपोर्ट के डेफिनेशन में ये चीज पढ़ ली कि डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से जब आप कुछ अंदर लेकर आते हो तो वो डीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोर्ट कहलाता है, दैट ऑटोमेटिकली मीन्स कि वो एसईजेड के लिए इम्पोर्ट होगा, उसको अलग से कहीं पर स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो अपन आज यहाँ तक रुकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बेसिक पूरा करवा दिया एंड कुछ डेफिनेशंस अपन ने कवर करी हैं. इसके आगे का अपन परसों की क्लास में कवर करेंगे. अब मुझे ये बताइए कि रिवीजन में, दैट इज ऑन ट्यूसडे, अपन फेमा से स्टार्ट करते हैं. फेमा का रिवीजन में ट्यूसडे को ले लेता हूँ. ठीक है, बताओ, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे आपको क्वेश्चंस देने हैं करने के लिए. यस सर. ठीक है, तो फेमा का रिवीजन अपन ट्यूसडे को करते हैं. जब तक आप फेमा के डाउट्स भी कलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको डाउट्स हैं, एंड आई वुड प्रेफर कि आप डाउट्स मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, क्योंकि मेरा वन टू वन इंटरेक्शन हो जाएगा सबके साथ ही, कि जिसका डाउट है उसको मैं स्पेसिफिकली क्लियर कर पाऊंगा. यहाँ पर ना थोड़ा सा लैगिंग होता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाए बीच में, किसी और को कुछ प्रॉब्लम हो, उससे बेटर है कि आप वन टू वन मुझसे व्हाट्सएप पे डाउट्स पूछ लीजिए. आई विल क्लियर दैट डाउट एज सून एज आई गेट टाइम. तो कभी भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, दैट इज नो प्रॉब्लम. तो अपन ट्यूसडे को फेमा स्टार्ट करते हैं रिवाइजिंग, और जो भी आपके डाउट्स हैं कलेक्ट करके रखें, मुझसे व्हाट्सएप से पूछ लीजिए. ट्यूसडे के बाद देन आई विल गिव यू द प्रैक्टिस शीट फॉर फेमा स्पेसिफिकली, कि आप फेमा के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए. तो उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, एंड उसके अलावा कुछ कोट वाले क्वेश्चंस होंगे, जिसमें बीच में कोट दिया होगा बुक के बीच से, जिसको आपको एक्सप्लेन करना है, मतलब 5 मार्क टाइप जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, वो उस हिसाब से. ठीक है, तो अपन अब मिलेंगे सैटरडे को. वी विल कंटिन्यू विद दिस. आई विल फॉरवर्ड दीज नोट्स ऑन व्हाट्सएप, और आपको जब तक चाहिए तो जितना अपन ने करा है उतना एक बार बुक से भी रीड कर लीजिए. हार्डली स्टार्टिंग के 2 पेजेस हैं, उससे ज़्यादा नहीं. ठीक है, बोलो यस या नो. यस सर. यस सर. तुम ऐसे यस सर यस सर यस सर ऐसे कह रहे हो, ऐसे लग रहा है जैसे मैं अभी नींद में से जाग गया हूँ. बेटा दिसंबर दूर नहीं है, आने वाला है, जाग जाओ. और एक ही आईफोन है अंदर, प्लीज मुझे बता दो आईफोन कौन है भाई, क्योंकि मुझे नाम रिपोर्ट करने पड़ेंगे कौन आया था. सर सिद्धार्थ. सिद्धार्थ, ओके ओके. सो आई विल सी यू ऑन सैटरडे. Till then, take good care of yourself. Please do not go out. It's a very bad situation, so don't go out. Bhale hi sab khul gaya hai, but bahar mat jao. Be safe, okay? Okay. Chalo. See you guys. Bye. Okay, sir. Bye-bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye.